हेलो एवरीवन, हे गाइस, दिस इज मी मेघा, योर एडुकेटर. एंड येस, ऑफ कोर्स, जस्ट कंसिडरिंग योर डिमांड कि आप लोगों को दिक्कत आ रही है व्हाट इज लीविंग ग्रुप, सो हेयर इज अ वीडियो फॉर यू. गाइस, लीविंग ग्रुप क्या होता है? जो लीव कर जाए. ओके, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप लीव करेगा, कौन सा ग्रुप नहीं करेगा? वॉट वुड बी दैट फंडा, राइट? तो गाइज, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है? मैं आपको समझाऊंगी ऐसी क्या चीज़ें देखनी होती है जिससे यू कैन डिसाइड इट वेरी इजीली. चलो, लेट्स बिगिन दिस वीडियो. सो गाइस, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, एक ऐसा ग्रुप जिसके पास लीव करने की एबिलिटी है. ओके, तो ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जिसकी लीव करने की एबिलिटी होगी? ऑफ कोर्स दैट सर्टेन ग्रुप जो वीकली बॉन्डेड होगा, राइट? अगर मैं अपना कोई भी मॉलिक्यूल लेती हूँ, इफ आई टेक एनी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो अगर उस मॉलिक्यूल में कोई भी एक ऐसा ग्रुप है जो वीकली बॉन्डेड है, ग्रुप मेरा ये भी हो सकता है G1, ग्रुप मेरा G2 भी हो सकता है. तो अब G1 और G2 में से विच इज़ अ लीविंग ग्रुप, तो द ग्रुप विच इज वीकली बॉन्डेड. ओके, अब इस ये जो बॉन्ड है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, वैसे तो सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट गाइज, ड्यू टू द पोलैरिटी, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दिस बॉन्ड कैन बी अ वीक बॉन्ड. ओके, तो वो डिपेंड करता है जी की प्रॉपर्टी पे, इस ग्रुप की प्रॉपर्टी पे. तो अब हमें इस ग्रुप को पहचानना आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर ये वीक बॉन्ड बना रहा है तो ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और ये निकल जाएगा. सो नाउ वी हैव टू कंपेयर कि G1 एक बेटर लीविंग ग्रुप है या G2 एक बेटर लीविंग ग्रुप है. तो वो हमें पता चलेगा डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, कि G1 का नेचर क्या है और G2 का नेचर क्या है. ओके, तो ये बात समझ आ गई कि जिस भी ग्रुप के पास लीविंग ग्रुप एबिलिटी होगी, जो वीकली बॉन्डेड होगा, वो ब्रेक हो जाएगा. नाउ गाइज, अब वो ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं? हाउ वी कैन लुक ओवर दिस जी? गाइज, दीज आर बेसिकली दी वीक बेसिस. यस, अगर कोई स्ट्रांग बेस होता तो वो एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाता. ओके, वो इस कार्बन के साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाता, क्योंकि वो वीक बेस है, दैट्स व्हाई इट इज फॉर्मिंग अ वीकर बॉन्ड. ओके, तो देखो होता क्या है, अगर हम इस जी को ब्रेक करते हैं, अगर ये ग्रुप हमारा यहाँ से जाता है, तो इट विल बी जी नेगेटिव, क्योंकि वेन एवर अ ग्रुप लीव्स, तो वो अपने साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है. ओके, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर था, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके इट विल लीव द मॉलिक्यूल. तो अब ये हमारा क्या हुआ, अब आप देखो देखो जरा, ये जी नेगेटिव, अगर किसी भी स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज है, यू कॉल इट एज अ बेस ना. ओके, अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता, या अगर ये बेस अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता, तो ये वापस इस पर अटैक कर जाता और वो रिमूव होता ही नहीं. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट जो ग्रुप रिमूव होगा, वो पर्टिकुलरली वही ग्रुप होगा दैट विल बी अ वीक बेस. सो हियर द लीविंग ग्रुप डेफिनेशन, एक सिंपल वर्ड में, इज वीकर बेसिस आर ऑलवेज अ गुड लीविंग ग्रुप. क्या होता है, वीकर बेसिस आर ऑलवेज अ गुड लीविंग ग्रुप. अगर आपको बेस देखना आता है, बेसिस आर व्हाट? बेसिस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बेसिस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं. ओके, तो जो भी एक ऐसा स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो जो भी अगर इस तरह के ग्रुप्स हैं, दे आर बेसिस. अब बेसिस में आपको वीक बेस ढूंढना है, सो दैट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप. अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, वी वर हैविंग दिस आर एक्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आर है, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप. व्हाई? बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस विल विड्रॉ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया नेगेटिव. ओके, नाउ इट इज अ वीक बेस. ओके, सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग, ये मेरा कुछ क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड है, फ्लोरिन नहीं है. क्यों? क्योंकि फ्लोरिन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, फ्लोरिन तो बहुत जल्दी से इससे अटैक कर लेता. ओके, सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरीन विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप. ओके, सो हेलोजन्स हमारे जनरली गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दे विड्रॉ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टुवर्ड्स इटसेल्फ. ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. अब अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे, RCOS डबल बॉन्ड O, बेंजीन, बेंजीन पे CH3, बड़ा सा मॉलिक्यूल है. देखने से लग रहा है कि पता नहीं कौन सा, बहुत टफ सा क्वेश्चन लग रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. यस गाइज, लेट मी टेल यू हाउ. अब देखो, सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर किधर है, बेस, ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक नहीं है, इट कुड बी अ न्यूक्लियोफाइल पाय बॉन्ड है, बट नॉट अ बेस. ये हमारा बेस है बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो जो भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इट्स अ बेस. आप बोलोगे ये, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी डबल बॉन्ड्स है, लोन पेयर्स है, बट दिस लोन पेयर इज मोर फ्रीली अवेलेबल.
क्योंकि यहाँ से सिंगल बॉन्डेड है, सो दिस लोन पेयर इज अ मतलब इज अ बेस. नाउ आई एम सेइंग दैट इट इज अ वीक बेस. व्हाई आई एम सेइंग सो? यस, इट इज अ वीक बेस. व्हाई? बिकॉज दिस लोन पेयर इज अंडरगोइंग रेजोनेंस विद दिस ऑक्सीजन. इसका मतलब ये बेस तो है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, बट ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि ये तो रेजोनेंस में जा रहा है. तो अल्टीमेटली इट्स अ बेस, बट इट्स बेसिसिटी इज वेरी पुअर. ओके, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, सो अल्टीमेटली इट्स अ वीक बेस. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा का पूरा हो गया हमारा गुड लिविंग ग्रुप. क्या हो गया ये? इट बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप. अभी यहाँ से क्या करेगा? ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, बन गया ओ नेगेटिव. नाउ वी कैन से दैट इट वॉज अ गुड लिविंग ग्रुप. बड़ा सिंपल सा है, ये काबू का टाइम बन गया और यहाँ अपने न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दिया, हो गया रिएक्शन, है ना. देखने से क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वी आइडेंटिफाइड कि क्या लिविंग ग्रुप है, क्वेश्चन कितना ईजी हो गया. नाउ गाइज, लेट मी डिस्कस विद यू द अदर गुड लिविंग ग्रुप्स. देखो, अब जैसे ये है कि कोई भी स्पीशीज मान लेते हैं हमारी किसी भी आर से अटैच्ड है, ठीक है, दे आर बॉन्डेड विद आर आर आर, ये किसी भी अल्काइल पार्ट से हमारे अटैच्ड है. अब देखो, आई एम सेइंग दैट दीज आर गुड लिविंग ग्रुप. व्हाई? बिकॉज दीज आर वीक बेसिस. क्या है ये सब? वीक बेसिस है. हाउ? देखो, ये बेस दिख रहा है क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यू विल से दैट इट्स अ बेस, बट ये बेस की बेसिसिटी तो हो गई पुअर बिकॉज ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. ओके, तो ये तो प्रोटॉन को जल्दी से अट्रैक्ट ही नहीं करेगा. बेसिस आर दोज दैट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, ये नहीं करेगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज नॉट अवेलेबल. यहाँ पे देखो, ये भी हमारा रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ देखो ये भी हमारा रेजोनेंस में जा रहा है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट इज सी एफ थ्री एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ निगेटिव. सो अगेन, इफ दिस इज अ बेस, सो इट इज ऑल्सो अ पुअर बेस. एक तो यहाँ पे ये विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर से इतने बड़े बड़े विड्रॉइंग ग्रुप्स और लगे हुए हैं. यू नो दैट फ्लोरिन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रो निगेटिव, सो बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट इट विल विड्रॉ ऑल द इलेक्ट्रो डेंसिटी टुवर्ड्स इट सेल्फ. इसकी बेसिसिटी तो बहुत ही पुअर हो गई. ओके, so what we understand, yes, they all are bases and they are weak bases and so therefore they are good leaving group. okay, so this is basically known as super leaving group. why? because of these trifluoride ions. क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर ये फ्लोरीन का और लग रहा है ना, जिसकी वजह से ये हो जाएगा सुपर लिविंग ग्रुप. तो आपने एक बात कंक्लूड की कि जब भी हमारा नेगेटिव चार्ज, जब भी किसी बेस का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो वो एक गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज विल बी लेस अवेलेबल. तो हमारा जो रेजोनेंस है क्या कर रहा है? हमारे ग्रुप को एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर. चलो, अब मैं आपसे एक रिएक्शन की बात करती हूँ. मेरे को रिएक्शन करानी थी आर ओ एच, ठीक है, एल्काइल एल्कोहल था एंड उस पर मैंने ब्रोमीन का रिएक्शन कराने का सोचा. तो मुझे लगा कि आर बी आर बन जाना चाहिए और ओ एच हट जाना चाहिए. सो ये क्या रिएक्शन होगा? थिंक एंड टेल मी, क्या ये रिएक्शन होगा? आपने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया विदाउट कंसिडरिंग कि ये एक गुड लिविंग ग्रुप है या नहीं है. गाइज, एल्कोहल इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. इसकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा है, ये बॉन्ड वीक नहीं है जो आप इसे इतने आराम से ब्रेक कर दोगे. ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, और जब ये ब्रेक ही नहीं होगा तो ब्रोमीन का अटैक तो दूर की बात है. ओके, सो दिस रिएक्शन विल नॉट अकर, नॉट अकर. Why? Because OH is a strong base and hence it's a poor leaving group. तो जब तक तो वो ग्रुप नहीं हटेगा, आप किसी दूसरे ग्रुप को सब्सटीट्यूट नहीं करा सकते. अगेन, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. अगर आपके पास इथाइल दिया हुआ है और बोला है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, तो क्या आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस तरह से करा देते हो और इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हटा देते हो? वाई? मैं क्यों बोल रही हूँ मिथाइल ग्रुप को हटाने के लिए? क्योंकि एक कार्बन तो फोर बॉन्ड से बनाएगा, तीन हाइड्रोजन के साथ बना रखे, न्यूक्लियोफाइल के साथ बनाएगा. तो क्या आप इस मिथाइल को हटा सकते हो? नो, वी कैन नॉट. वाई? क्योंकि ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इस बॉन्ड को वीक तो होना पड़ेगा ना. अगर आप किसी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो दैट मस्ट बी अ वीक बॉन्ड. अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप उसे ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते.
सो दिस मिथाइल के नॉट बी ब्रेकन. ओके सो अगर ये सी एच थ्री नेगेटिव बनेगा सो अगेन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड हैज़ हाई एफिनिटी फॉर द प्रोटोन और ये जल्दी से प्रोटोन से अट्रैक्ट करके बना लेगा सी एच फोर बिकॉज कार्बन वॉन्ट्स टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट नो है ना. और वो एक हमारा अनकार्बन यू नो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है क्योंकि कार्बन कंपाउंड जो भी बॉन्ड्स बनाते हैं जो कार्बन बॉन्ड बनाता है इट इज़ ऑलवेज अ कोवेलेंट बॉन्ड. So it's not a good leaving group. So these kind of reactions you cannot do. तो हमें दो बातें समझ आई. The leaving group should have a lower bond energy with carbon. ठीक है अगर कोई भी लिविंग ग्रुप अगर हमारा कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए. मीन्स इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए. बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट शुड बी लो तभी बॉन्ड ब्रेक आप कर सकते हो अदरवाइज नहीं. ठीक है और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है अगर लिविंग ग्रुप पे कोई नेगेटिव चार्ज है सो दैट नेगेटिव चार्ज शुड बी मोर स्टेबल ईदर बाय डिस्पोजल और बाय डीलोकलाइजेशन. तो वो नेगेटिव चार्ज किसी भी तरह से स्टेबल होना चाहिए. वो नेगेटिव चार्ज जैसे ही स्टेबल होगा तो इट विल बी अ वीक बेस एंड हेंस अ गुड लिविंग ग्रुप. ओके तो अल्टीमेटली अभी तक का पूरा फंडा क्या कहता था वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप. बात खत्म हो गई दैट्स इट. सो गाइस हियर इज अ लिस्ट ऑफ लिविंग ग्रुप. आप एक बार रीड आउट कर लो आपको समझ आ जाएगा. इट्स अ बेस लोन पेयर है बट रेजोनेंस. इट्स अ बेस लोन पेयर है बट रेजोनेंस. ये भी हमारा बेस है ऑक्सीजन पे लोन पेयर बट ये दोनों तरफ रेजोनेंस में जा रहा है सो इट्स अ वीक बेस. ये क्लोरीन क्लोरीन भी हमें लगता है कि इट्स अ बेस क्योंकि क्लोरीन पे भी लोन पेयर्स होते हैं बट गाइज इट्स अ वीक बेस क्योंकि ये भी हमारा डीलोकलाइजेशन में जा रहा है. नाइट्रोजन अमीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स हमें लगता है दैट दे आर बेसिस बट इफ दे आर इन रेजोनेंस लेकिन अगर ये रेजोनेंस में जा रहे हैं दे आर वीक बेसिस एंड इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप. ये सब मैंने आपको लिविंग ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं. यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है दैट मस्ट बी अ लिविंग ग्रुप बट दैट मस्ट बी अ बट गाइस इट्स अ वीक बेस. ओके तो यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीजन का लोन पेयर इट्स नॉट दैट अवेलेबल. इवन साइनाइड साइनाइड में नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना ये इसका पाई बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज पुलिंग बाय दिस नाइट्रोजन सो इट्स अ बेस वीक बेस एंड इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप. ये सब आपके वीक बेसिस एंड गुड लिविंग ग्रुप के एग्जांपल्स हैं. ओके तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन. अमोनिया अमोनिया पे अगर आपने लगाया हुआ है अमोनिया तो येस इट इज ऑल्सो अ बेस. ठीक है सो वी हैव टू कंसिडर दैट इट मस्ट बी अ वीक बेस. कोई और इस पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा हो और इसे एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा हो. सो देयर मस्ट नॉट बी अ प्रेजेंस ऑफ एनी प्लस आई ग्रुप क्योंकि अगर कोई भी प्लस आई ग्रुप लग रहा होगा वो इस पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और इसे स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा दैट वी डोंट वॉन्ट. सो यू कैन से दैट अमोनिया इज अ वीक बेस बट प्राइमरी अमीन्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. ओके तो जितने भी हमारे अमीन्स होते हैं ठीक है दिस इज अमोनिया अमोनिया इज अ वीक बेस. ठीक है लेकिन अगर आप बात करते हो आर एन एच टू या आर टू एन एच की तो दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट दे आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर दिस नाइट्रोजन सो हेयर इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो इसे मैंने लिविंग ग्रुप में नहीं लिखा है राइट मैंने सिर्फ अमोनिया को लिखा है. आयोडाइड आयोडाइड हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता है. आयोडाइड का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से ये जल्दी से प्रोटोन एक्सेप्ट नहीं करेगा अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा सो इट्स अ वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप. ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन तो देखो ये सब लिविंग ग्रुप्स तो होते हैं ऑल द हैलोजन्स आर लिविंग ग्रुप्स बट इनकी जो 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 एबिलिटी है वो पुअर होते चले जाती है. व्हाई बिकॉज फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बेस है तो लिविंग ग्रुप होगा बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस तो दैट्स व्हाई इट्स अ पुअर लिविंग ग्रुप. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे लोन पेयर है बट अंडरगोइंग रेजोनेंस तो रेजोनेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो हमारी बेसिसिटी को कम करता है. यहाँ पे भी क्या हो रहा है ये जो NO2 है आप कहोगे मैम यहाँ रेजोनेंस तो नहीं हो रही या आई एग्री रेजोनेंस नहीं हो रही लेकिन ये विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो विड्रॉइंग क्या कर रहा है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल कर रहा है. अल्टीमेटली इसकी बेसिसिटी क्या हो रही है कम एंड हेंस इट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप. So this is it. This is what you need to know. Okay. So guys, this is it. You please like this video, share it and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon for the further notifications. So here I am going to upload many new videos for you. So stay tuned with me and learn a lot. So guys, thank you so much for joining. We'll see you in the next video. Bye-bye. Take care.